मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। शो का नाम खतरा है, बट एक्चुअली कोई खतरा वतरा नहीं है, बट एम्बेरसिंग चीज़ें बहुत गिराई हमसे, हम बहुत एम्बेरस हुए हैं, हमने बहुत फ़नी फ़नी हरकतें की हैं। इनफैक्ट यू नो इतना पसंद किया लोगों ने खतरों के खिलाड़ी को और हम सबको, तो जब हर्ष भाई ये शो लेकर आए तो ऐसा लगा कि कुछ है यू नो कि अगर इसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो कुछ वाकई में एंटरटेनिंग बन सकता है। फिर हमने शो पे काम शुरू किया और बहुत मज़ा आया यार। एक्चुअली हम दोस्त हैं इतने अच्छे, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई पिछले शो के दौरान, तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम काम कर रहे हैं या कुछ मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और अब जब हम एडिटेड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो लग रहा है नहीं वाकई में जब ऑडियंस हमारी देखेगी इसको 11 मार्च से तो इसे बहुत एंजॉय करेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी, उनका मनोरंजन होगा। एक्चुअली सबसे पहला रिएक्शन तो यही था कि मुझे खुशी हो रही थी कि यू नो एक साथ हमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जब ऑब्वियसली सब अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो चाहते हुए भी हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बट जब काम से रिलेट हो जाता है तो वही होता है कि चलो साथ में उठना बैठना खाना पीना हो जाता है, एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट हो जाता है। भारती हमेशा खाना बहुत अच्छा लेके आती हैं, तो जब भी शूटिंग होती है मैं उनके वैनिटी में जाता हूँ, कभी मटन बिरयानी, कभी चिकन तंदूरी, और ख़ुद वो एक्चुअली उनका खाने का मन बहुत करता है बट वो कम बहुत खाती है, तो जो बचा कुचा है वो सारा मैं ख़त्म कर देता हूँ। और मस्ती की है यार, हमने इंजॉय किया। आई थिंक हमको जनरली जो होता है, इंसान आजकल अपने आप को बहुत सीरियसली लेता है, अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेता है, थोड़ा मजाक मस्ती कम हो गई है, सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज टेक लाइफ थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए। काम वाम में ठीक है, अपना फोकस करो, यू नो सीरियस रहो, बट कभी कभी मजाक मस्ती भी करनी चाहिए। सो आई थिंक ये एक ऐसा शो है जो आपको याद दिलाता है कि डोंट बी सो सीरियस। ऑफ कोर्स बदला लूँगा भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें कराई है वो भी खूबसूरत लड़की के सामने, तो इसका श्रेय मिस्टर लिम्बाचिया को जाता है। ये हर्ष का दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है, पता नहीं जब मैं स्टंट करता हूँ तो और इसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, और फिर ऑब्वियसली हर्ष का भी नंबर आया है और फिर हमने हर्ष की भी बैंड बजाई है। और वही है ना कि यार देखो, जब आप एक दूसरे को जानते हो ना तो उतनी आप एक दूसरे की टांग खिंचाई कर सकते हो, और हमने अपनी दोस्ती का पूरा फ़ायदा उठाया है। 11 मार्च से हमारा शो शुरू हो रहा है, खतरा खतरा खतरा, ज़रूर देखिएगा कलर्स पे, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। हमने बहुत दिल से शो बनाया है और आपके फेवरेट सितारे हैं, आपकी फेवरेट भारती हैं, आपका फेवरेट आदि है, हर्ष है, विकास, अली, रिधिमा, अनीता, एंड या अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराना मुस्कुराहट लाने के लिए आप हमारा शो देखिए।